खबर कोलारस से है, जहां गुस्साए आदिवासी लोगों ने नेशनल हाईवे पर घंटों चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि शिवपुरी के बदरवास थाना अंतर्गत एनएच 45 फोर लेन हाईवे पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने हाथ में डंडा लेकर हाईवे जाम किया। वहीं करीब एक घंटे से भी ज्यादा लगे जाम को मौके पर पहुंचकर पुलिस सहित एसडीओपी ने खुलवाया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बदरवास थाना क्षेत्र के बांसखेड़ा गांव के रहने वाले तोरण सिंह आदिवासी का जमीनी विवाद भोलू कलावा से चल रहा था। वहीं मृतक तरन सिंह आदिवासी की पत्नी रामप्यारी बाई ने बताया कि उसके पति ने 45 साल पहले 4 बीघा जमीन 50,000 में गिरवी रख दी थी। वहीं बरसों बीत जाने के बाद इस बार उसने और उसके पति तोरण सिंह आदिवासी ने पूरी जमीन को खुद जोत कर फसल करने का फैसला लिया था, जिसके बाद वह टपरिया बनाकर उसी खेत पर रहने लगे थे। बीती रात करीबन 8 बजे भोलू कलावर और उसका भाई सुशील का बेटा सत्यम और अतुल चारों मिलकर खेत पर गए और उसके पति के साथ मारपीट करने लगे। वहीं इस बीच पति ने भागकर अपनी जान बचाई और वह अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत को लेकर बदरवास थाने पहुंची थी, जहां उसकी सुनवाई नहीं की गई। एक्चुअली ये मामला बांसखेड़ा का है, जहाँ पर इनका कुछ भूमि से संबंधित विवाद था और उसी से लेकर कोई घटना हुई थी, तो आदिवासियों ने वहाँ पर रोड पर जाम लगाया था। हम इस पर बिल्कुल जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी।